ट्विटर पर एक लाइन ट्रेंड कर रही है कि फ्रांस को कोई जलने से बचा सकता है तो वो योगी हैं, और ट्विटर पर योगी ट्रेंडिंग में है। कुछ सैंपल देख लीजिए। पहला सैंपल देखिए, फ्रांस को बचाने के लिए मैक्रो को योगी जी के बुलडोजर की जरूरत है। दूसरा सैंपल देखिए, हम किसी भी देश को योगी को ले जाने नहीं देंगे, क्योंकि यूपी ही नहीं बल्कि देश के दूसरे राज्यों में भी योगी की जरूरत है। तीसरा सैंपल देखिए, विदेशों तक जलवे हैं महाराज जी के। चौथा सैंपल, जय हो बाबा बुलडोजर की, महाराज जी आप यूपी के गौरव और अभिमान हैं। पांचवा सैंपल, योगी मॉडल की वजह से ही आज पूरे देश में शांति कायम है। छठा सैंपल, योगी मॉडल का जलवा है। इन वायरल ट्वीट्स पर योगी आदित्यनाथ के ऑफिस की तरफ से कहा गया कि दुनिया में जब भी कहीं क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल होता है, लॉ एंड ऑर्डर को कायम करने में प्रॉब्लम होती है, तो वहां योगी का जिक्र होता है, बात योगी मॉडल पर होती है। इन वायरल ट्वीट पर योगी आदित्यनाथ के ऑफिस की तरफ से कहा गया है कि जब भी दुनिया के किसी हिस्से में उग्रवाद या दंगे भड़कते हैं, अराजकता फैलती है और कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पैदा होती है, तो दुनिया सांत्वना तलाशती है, और उत्तर प्रदेश में महाराज जी द्वारा स्थापित कानून एवं व्यवस्था के परिवर्तनकारी योगी मॉडल के लिए तरसती है। एक समय था जब उत्तर प्रदेश के हर जिले में कर्फ्यू लगाने की नौबत आती थी, हर जिले में आगजनी की, दंगे की घटनाएं हुआ करती थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद से दंगाइयों पर जब से सख्ती करना प्रारंभ किया गया और ऐसे दंगाइयों बलवाइयों के घर पे बुलडोजर चलना प्रारंभ हुआ, तब से उत्तर प्रदेश में आज दंगा पूरी तरह से समाप्त हो गया है, और इसकी गूंज आज भारत नहीं बल्कि भारत के बाहर आज दुनिया तक पहुंच रही है, और इसीलिए फ्रांस जैसे देश के दंगे के नियंत्रण के लिए भी योगी आदित्यनाथ जी के मॉडल की आज सराहना की जा रही है, उसकी अपेक्षा की जा रही है। ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर अंतर्राष्ट्रीय मोहर है कि कैसे उत्तर प्रदेश में आज कानून व्यवस्था बेहतर की गई है। क्राइम पर जीरो टॉलरेंस योगी की पॉलिसी है और यही योगी मॉडल है। साल 2022 में जब यूपी में सीएए के विरोध में दंगे भड़के, तो योगी सरकार ने पूरी सख्ती से दंगों का निपटारा किया। योगी ने बयान जारी करके कहा कि जो भी यूपी में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, उसकी भरपाई भी उसी से करवाई जाएगी। इतना ही नहीं, योगी ने यूपी में दंगे करने वालों को एक्सपोज कर दिया था। यूपी में जगह जगह दंगाइयों के पोस्टर चस्पा किए गए थे, दंगाइयों से हर्जाना वसूलने के लिए नया कानून बनाया, और नतीजा ये कि यूपी की पहचान अब एक दंगा मुक्त प्रदेश की बन गई है। यूपी में माफिया राज को योगी ने मटिया मेट कर दिया। यूपी में जिन माफियाओं की हनक और सनक गूंजा करती थी, योगी राज में वो माफिया या तो जेल के अंदर अपने गुनाहों की सजा काट रहे हैं या फिर यूपी छोड़कर भाग चुके हैं। और योगी मॉडल का लेटेस्ट एग्जाम्पल की खबर गाजीपुर से आई। खबर ये कि योगी राज में माफिया मुख्तार की जब्त जमीनों पर योगी सरकार गरीबों के लिए नए घर बनवाने जा रही है। माफियाओं के खिलाफ योगी आदित्यनाथ सरकार का हर फैसला अब इतिहास रचता जा रहा है। बुलडोजर के जरिए माफियाओं के आतंक पर पहले चोट पहुंचाया और अब उनके कब्जे की अवैध जमीनों पर गरीबों और जरूरतमंदों के लिए आसियाने बनाकर वो एक नजीर पेश कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि प्रयागराज में अतीक अहमद गैंग पर कार्रवाई के बाद अब अगला नंबर माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का है। पिछले 6 सालों के दौरान गाजीपुर के इस माफिया के खिलाफ योगी सरकार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। अभी तक उसकी 1500 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी है उसको या तो सीज कर दिया गया है या फिर उस पर बुलडोजर चला है। और कहा यह जा रहा है कि जो सीज हुई जमीनें हैं अब वहां पर जो फ्लैट्स हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जा सकते हैं। शुक्रवार को प्रयागराज में भगवा रंग वाले फ्लैट्स की चाबी सीएम योगी ने लाभार्थियों को सौंपी। माफिया ती के कब्जे वाले जमीन पर इन फ्लैट्स को बनाया गया था। इन फ्लैट्स की चाबी लाभार्थियों को सौंपकर योगी ने एक नई नजीर पेश की, और एक बार फिर योगी ने ऐसी ही तैयारी माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के खिलाफ की है। गाजीपुर में भी मुख्तार के कब्जे वाली जमीनों पर सरकार फ्लैट्स के कंस्ट्रक्शन की तैयारी में है। योगी राज में मुख्तार एंड कंपनी के 1500 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई। गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़ और लखनऊ में जमीनों पर कब्जा किया गया था। पीएम आवास योजना के तहत जमीनों पर फ्लैट्स का निर्माण होगा। देखिए, इसमें 61 मुकदमे दर्ज हैं, ये IS-191 में आइडेंटिफाइड है उत्तर प्रदेश में, और इसके जितने भी मेंबर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनके विरुद्ध भी कार्रवाई चल रही है, और खासकर इनके परिवारीजन हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 6 मुकदमों में तो मुख्तार अंसारी को सजा हो चुकी है, जिसमें 2 गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे हैं, 10-10 वर्ष की सजा है, और साथ में एक मर्डर का भी मुकदमा है कल ही, जिसमें आजीवन कारावास की सजा हुई है,
और इससे पहले भी दो मुकदमे उत्तर प्रदेश में ही उनमें सजा हो चुकी है। इसके अलावा एक टाडा का एक मुकदमा है दिल्ली में, उसमें 10 वर्ष की सजा इसको हो चुकी है। योगी सरकार के इस ऐलान के बाद गाजीपुर की जनता उत्साहित है। जिन लोगों को माफिया मुख्तार ने सताया था, जो लोग मुख्तार की दबंगई के आगे अपनी जुबान बंद रखते थे, आज वही लोग खुलकर कैमरे पर योगी सरकार के इस एक्शन की तारीफ कर रहे हैं। माफिया राज के खिलाफ योगी के एक्शन से जनता बम बम है, लेकिन जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की नींद उड़ गई है, उसकी बेचैनी बढ़ गई है। मुख्तार टेंशन में है, उसे डर सता रहा है कि योगी उसके काले साम्राज्य को मटियामेट कर देंगे। दूसरी तरफ बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय ने मुख्तार पर जारी एक्शन पर खुशी जताई है। देखिए, जैसा कि कल प्रयागराज में माननीय पूजनीय महाराज जी ने ये घोषणा किया कि जिन माफियाओं द्वारा जो भी अवैध भूमि कब्जा किया गया था उस पर प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास का निर्माण करने का कार्य करेगी, मैं इस कदम को बहुत ही सराहनीय कदम मानता हूं। और मेरा ये मानना है कि इन अपराधियों ने ही आम जनमानस का पैसा लूट के अपनी काला साम्राज्य खड़ा किया था, और आज सरकार वही काले साम्राज्य को ध्वस्त करते हुए इस आम जनमानस के बीच में, वही जो काले साम्राज्य जो जमीन बनी, जमीन की खरीदारी हुई या जो जमीन या प्रॉपर्टी इन लोगों ने बनाई है, वो जनता को सुपुर्द करने का काम पूजनीय महाराज जी के हाथों द्वारा किया जा रहा है, और यह एक सराहनीय कार्य है। और मेरा मानना है कि आम जनमानस में इस कार्य के प्रति एक अच्छी इमेज बनेगी। उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के कमांडर योगी आदित्यनाथ हैं। यूपी में योगी एक साथ दो फ्रंट को लीड कर रहे हैं, एक तरफ मुख्यमंत्री का कामकाज तो दूसरी तरफ पार्टी के लिए प्रचार की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। 1 जून से योगी महाजनसंपर्क अभियान के तहत पूरे उत्तर प्रदेश को नाप रहे हैं। 2024 से पहले योगी खुद पूरे उत्तर प्रदेश को साध रहे हैं। योगी का टारगेट यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का है। इसके लिए योगी यूपी के हर जिले पर फोकस कर रहे हैं, विकास कार्यों का खुद जाकर निरीक्षण कर रहे हैं, नए नए विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जा रहा है। पिछले 1 महीने में योगी ने यूपी के 10 से ज्यादा जिलों का दौरा किया, डबल इंजन सरकार के कामकाज का ब्यौरा जनता को दिया, और योगी जहां भी गए वहां कुछ न कुछ नए विकास के प्रोजेक्ट जरूर शुरू किए। अगर आंकड़ों की बात करें तो देवरिया में 6200 करोड़, प्रतापगढ़ में 2200 करोड़, बलिया में 3700 करोड़, अंबेडकर नगर 1212 करोड़, नोएडा में 1718 करोड़, गोरखपुर में 2604 करोड़, अयोध्या में 2000 करोड़, सोनभद्र में 414 करोड़, मथुरा में 208 करोड़, प्रयागराज में 768 करोड़, कुल मिलाकर ये आंकड़ा 21024 करोड़ से अधिक का है। उत्तर प्रदेश का सीडी रेशो बढ़ा है, यानी जब हम लोग आए थे 2017 में ये 46 से कम था। लोग ये मानते थे उत्तर प्रदेश में पैसा देने का मतलब डूबेगा, आज ऐसा नहीं है। आज तो उत्तर प्रदेश में जो पैसा लगाएगा उसका बिजनेस बढ़ेगा, और यह 46 से बढ़कर के 54-55 तक पहुंचा है। और अगले एक वर्ष के लिए मैंने टारगेट दिया है प्रदेश में सभी विभागों को कि हमें इसको हर हाल में 60 तक पहुंचाना है। सीडी रेशियो उत्तर प्रदेश का 60 तक पहुंचे, बैंकर्स इसमें अपना योगदान दें, राज्य सरकार इसमें अपना सहयोग करेगी, भरपूर सहयोग करेगी, बिजनेस आपका बढ़ेगा और रोजगार और स्वरोजगार हमारे नौजवानों को प्राप्त होगा। राज्य सरकार अपने नौजवानों के लिए बहुत कार्यक्रमों को लेकर के चली है। योगी का गुड गवर्नेंस और माफियाओं के खिलाफ एक्शन ने योगी की इमेज इतनी बड़ी बना दी है, विरोधियों को समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो क्या करें। सियासत में कहावत है कि जब किसी ताकतवर से आपकी लड़ाई हो और जीतने का कोई रास्ता ना दिखे तो ऐसे में विरोधी की सबसे बड़ी ताकत पर हमला करो, क्योंकि अगर ये फॉर्मूला कामयाब हुआ तो जीत निश्चित है। ऐसे में अखिलेश एक नया फॉर्मूला ढूंढकर लाए हैं। योगी पर अटैक करने के लिए अखिलेश गोरखपुर को टारगेट पर ले रहे हैं। हर 1 से 2 दिन में गोरखपुर को लेकर अखिलेश कुछ नया ढूंढकर लाते हैं। गोरखपुर योगी का इलाका है, और अगर अखिलेश ने गोरखपुर में योगी को घेर लिया तो अखिलेश यूपी में एक नई लकीर खींच पाएंगे। अखिलेश नई लाइन पर आगे बढ़ रहे हैं और अखिलेश की टीम के मेंबर्स अखिलेश को लेकर नया नैरेटिव बना रहे हैं। अखिलेश को पीएम मटेरियल बता रहे हैं। अखिलेश की पार्टी के प्रवक्ता
फखरुल हसन ने अखिलेश के जन्मदिन पर यह पोस्टर समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगवाया है। 2014 और 2019 का आम चुनाव मोदी के सामने बिखरा हुआ विपक्ष चुनाव लड़ा था, ऐसे में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 2024 के लिए रणनीति दूसरी है। अब एकजुट होकर मोदी का मुकाबला किया जाएगा। पटना में बैठक हुई, एक राय एक मत कैसे हुआ जाए इस पर मंथन हुआ। राहुल गांधी बारात निकालेंगे, पीछे पीछे सारे लोग चलेंगे और नीति सहबाला होंगे। दावा कई और लोगों का भी है, लेकिन एक दावा अखिलेश यादव का भी हो गया है। ये पोस्टर समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगा है, जन्मदिन अखिलेश यादव का है आज, और लिखा हुआ है उस पर देश के भावी प्रधानमंत्री। पोस्टर लगाने वाले फखरुल भाई हमारे साथ है। फखरुल भाई, ये तो मतलब बड़ा असमंजस की स्थिति है। कभी लालू जी कहते हैं कि राहुल जी दूल्हा है, नीतीश कुमार लगातार विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं, और आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री। आप देखिए, हम समाजवादी सिपाही हैं और समाजवादी सिपाही का काम होता है ज़मीन पे मेहनत करना, सपना देखना और उस सपने को साकार करने के लिए संघर्ष करना। हम समाजवादी सिपाही उस सपने को देख रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, तो हम उनके जन्मदिन पे इससे अच्छा अवसर क्या हो सकता है कि हम उनके लिए ये सपना देखें कि वो देश के प्रधानमंत्री होंगे, उसके लिए मेहनत करने का काम करें। हालांकि पोस्टर लगाने वाले कार्यकर्ता का कहना है कि ये पोस्टर समाजवादी पार्टी का सपना है। बीजेपी भी इस लाइन को आगे बढ़ा रही है और खुलकर इस पोस्टर को मुंगेरी लाल का हसीन सपना बता रही है। पटना में बैठक कर रहे थे, शिमला में बैठक होने जा रही है। कभी राहुल कहते हैं वो दूल्हा बनेंगे, नीतीश सहबाला बनेंगे, आज अखिलेश यादव के कार्यालय के बाहर कार्यकर्ता बधाई दे रहे हैं, लिख रहे हैं भावी प्रधानमंत्री। तो क्या एका और नीतीश, आज श्री अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है, मैं उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ। अब कौन क्या लिखता है उसको हम तो रोक नहीं सकते हैं कोई लिखने वाले को, लेकिन जिस पार्टी का उत्तर प्रदेश की जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है खाता खुलने की भी उम्मीद नहीं है, अगर वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं तो मुंगेरी लाल का हसीन सपना सबको देखने का अधिकार है, देखें। सीएम योगी ने अखिलेश को जन्मदिन की बधाई दी। योगी के ट्वीट में गौर करने वाली बात यह है कि योगी ने प्रभु श्री राम से अखिलेश यादव के लिए प्रार्थना की है, उसी श्री राम से प्रार्थना की है जिसके कार सेवक पर मुलायम सिंह के कार्यकाल में गोली चली थी, और जिस श्रीराम की रामचरितमानस का विरोध अखिलेश और उनकी पार्टी कर रही थी, और उसी श्रीराम का दिव्य और भव्य मंदिर बीजेपी सरकार अयोध्या में बनवा रही है। यूपी में जैसे जैसे लोकसभा चुनावों की तारीख नजदीक आ रही है, ठीक वैसे ही यूपी में पॉलिटिकल फाइट लाउड हो रही है। मौका कोई भी हो, सियासत हर जगह नजर आ रही है। अखिलेश यादव के जन्मदिन के मौके पर भी यही हुआ। मायावती ने अखिलेश को ट्विटर पर जन्मदिन की बधाई दी। कांग्रेस को इसमें नई सियासी लाइन मिल गई। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने रिट्वीट किया और लिखा, संभावनाएं बरकरार हैं। मायावती के ट्वीट के मायने, मायावती विपक्षी एकता के मंच पर एक साथ आ सकती हैं। दूसरा मतलब ये कि मायावती अखिलेश का गठबंधन हो सकता है, इससे यूपी में कांग्रेस की वैल्यू डाउन हो सकती है। मायावती और अखिलेश यादव में जो टकराव था, लेकिन मायावती उनको जन्मदिन की बधाई दे रही हैं, तो क्या लगता है कि ये भी शामिल हो? इस बात की मुझे जानकारी नहीं, ये तो आप पूछिए उन लोगों से जो ज्योतिष के जानकार हो। लेकिन फिलहाल अखिलेश जो यूपी में संभावना देख रहे हैं वो कांग्रेस के साथ देख रहे हैं। पटना पैक्ट के बाद एक्सपर्ट का दावा है कि अखिलेश और कांग्रेस में सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान चल रही है। अखिलेश का फॉर्मूला है कि वो यूपी में 65 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस को 15 सीटें मिलेंगी। लेकिन अखिलेश का ये फॉर्मूला अभी कांग्रेस आलाकमान की ऑफिस में पेंडिंग फाइल्स में पड़ा है। देखना है कि 2024 में मोदी योगी की जोड़ी के सामने विपक्ष क्या फॉर्मूला लेकर आता है, और कैसे अखिलेश योगी के विजय रथ को रोक पाएंगे। अखिलेश योगी के सामने बैक टू बैक 2017, 2019, 2022 के चुनाव हार चुके हैं, अब बारी 2024 की है, लिहाजा अखिलेश पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन नतीजों के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। लखनऊ से मनीष यादव, गाजीपुर से आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।